hardship and reward. The 1830 were years of great economic hardship in Europe. कहते हैं कि 1830s के जो years थे, 1830s के जो साल थे, काफी ज्यादा लोगों ने काफी ज्यादा मुश्किल से बिताए. लोगों को काफी ज्यादा हल्ला करना पड़ा अपनी इंडिपेंडेंस गेन करने के लिए, जहाँ अपना खाना पीना पूरा करने के लिए. The first half of the 19th century was enormous increase in population all over the Europe. कहते हैं कि first half था 19th centuries का first half, यानी 1800 से लेकर 1850 तक. कहते हैं कि इतनी ज्यादा population बढ़ गई, कहते हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं था, नामो निशान, ऐसे सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी population बढ़ गई. आप सोच नहीं सकते कि इतनी population तक बहुत ज्यादा increase हो गई थी. In most country there were more seeker of job than employment. कहते हैं कि बहुत सारी countries तब ऐसी थी यूरोप में जो जॉब देखने वाले, जॉब करने वाले ज्यादा थे, बट जॉब है कम थी. मान लो कि अभी लोग जो है 50 लोग टीचर बनना चाहते हैं, बट सीट कितनी है? सीट 10. 10 लोग टीचर बन सकते हैं, बट बनना कितना चाहते हैं? 50 लोग टीचर बनना चाहते हैं, बट सीट ही 10 है. तो फिर ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा वहां पे फेस लोगों को करनी पड़ रही थी. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया, रूरल एरिया वो होते हैं जो पेंडू इलाके होते हैं, जो जहाँ पे काम पाए जाते हैं. ठीक है, कहते हैं कि जो गांव वाले लोग थे वो क्या करने लगे, शहर में शिफ्ट होने लगे. क्यों? ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके, तो उनको ज्यादा से ज्यादा पैसे मिल सके, तो अपना पेट भर सके. कहते कि लोग जो थे गाँव से शहरों में जाना शुरू कर दिया लोगों ने. तो कहते कि अभी शहर में जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई, तो लोगों का काम छोड़ के शहरों में जाना शुरू हो गए. तो शहरों में क्या हुआ, शहरों में पॉपुलेशन बढ़नी शुरू हो गई, तो शहरों में भी लोग गरीब होना शुरू हो गए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा भंडार लगे, लोगों बहुत ज्यादा लोग वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गए. स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस्ड देन ऑन द कॉन्टिनेंट. कहते हैं कि लोग जो थे, जैसे कि अभी स्मॉल प्रोड्यूसर छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे कोई घड़ा बनाता है, कोई कपड़े बनाता है, कोई रूम को ऐसे पीसता है जैसे चरखा लेकर. ठीक है, ऐसे बहुत लोग काम करते हैं, जैसे कोई कोई ज्वेलरी बनाता है. कहते हैं बट क्या होता था कि इंग्लैंड भी क्या था कि जो मशीनों से काम होता था, बट यहाँ पे आदमी काम करते थे. ठीक है, औरतें काम करती थी. जो मशीन में गुड थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी. जैसे भी कपड़े की बात की जाए, अगर आपकी मम्मी ने खुद बनाया, ठीक है, खुद अपने स्वेटर सी है, और एक मशीन से ज्यादा सफाई आएगी, बट वो सस्ता भी होगा. ठीक है, सस्ता भी होगा, ज्यादा सफाई भी आएगी. ठीक है, हर एक चीज की क्वालिटी भी अच्छी होगी. बट जो दूसरी तरफ है, जो खुद बनाया ना हमने, मशीन नहीं यूज करनी, उसमें क्या है, खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा, मेहनत भी बहुत ज्यादा लगेगी, बट उसको रेट नहीं मिलेगा. उसको स्टिफ कॉम्पिटिशन, स्टिफ मतलब हार्ड, उसको काफी ज्यादा हार्ड कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता था. ठीक है, मैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, कहते हैं इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी वहां पे ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज काफी ज्यादा पहले हो गई थी इंडिया से बोल रहा हूँ यूरोप से. ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां पे लोगों को काफी ज्यादा हार्ड कंपटीशन, बहुत लोग यहाँ पे बुरा हाल था लोगों का यहाँ पे. ठीक है, इन दो रीजन ऑफ यूरोप वे एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर. एरिस्टोक्रेसी होती है अमीर लोग. कहते हैं वहां पे तब भी लोग क्या करते थे कि पावर, जब लोग जो मतलब की ऐसे एरिस्टोक्रेसी यानी अमीर लोग थे, तब भी कहते कि पावर में थे, अपनी खुशी खुशी जिंदगी जी रहे थे, उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी. बट कहते हैं कि पीजन स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज. फ्यूडल ड्यूज होते हैं जो कि फ्यूडल सिस्टम, जागीरदार, जिन्होंने जैसे हमने ठेके पे जमीन ली है, तो लोग वो जो बड़े बड़े लैंड लॉर्ड थे, जैसे कि अभी आपके पास जो 100 acres जमीन है, आप एक एक एकड़ सभी को बांट दें. अभी फूड के प्राइसेस कम हो गए, तो आपको कोई भी मुनाफा नहीं होगा, बट आपको रेंट उतना ही देना पड़ेगा. जो जागीरदार है, जैसे लैंड लॉर्ड है, वो रेंट कम नहीं कर रहा है, बट फूड के प्राइसेस कम हो गए हैं, जिसके कारण आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, आपको उसकी दूसरी तरफ घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो आप तो तंग आ जाओगे. इसलिए कहते हैं कि लोगों पर भी तक यही लगा. अब पॉपुलरिज्म का मतलब है पॉपुलरिज्म सड़कों पे आ रहा. पॉपुलरिज्म का मतलब है लोग सड़कों पे आ गए. आगे क्या बताया कि सेलिसियर की बात की गई है अर्लियर इन 1845, या फिर ये भी बात की गई है कि द नेशनल असेंबली जो थी, उन्होंने एक रिपब्लिक जो है घोषित कर दिया लोगों को, उसको वहां पे यूरोप में रिपब्लिक घोषित कर दिया, कि 21 साल से जो बड़े बड़े लोग हैं, अभी क्या पे कितने 18 साल से बड़े लोग जो है कह सकते वोट कर सकते, तब उनको क्या राइट दिया गया, 21 साल से जो बड़े लोग हैं वो वोट कर सकते हैं. ओनली एंड ओनली मेल्स, आदमियों को ही दिया गया, औरतों को कोई भी राइट.
थी। अगेन इन 1845 वीवर इन सिल्सिया हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गिव देम ऑर्डर फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स। कहते हैं कि 1845 में सिलेसिया वर्कर्स प्रोजेक्ट, सिलेसिया एक जगह की बात है, कहते कि वहां के लोगों ने क्या किया, रिवोल्ट में दंगा किया। तो कहते कि जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हो जो कि हम जैसे कि आप मान लो कॉन्ट्रैक्टर जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखने वाला कॉन्ट्रैक्टर है वो मुझे रॉ मटेरियल यानी कोटा मुझे प्रोवाइड करेगा और मैं उसको क्या बना करूंगा या वो मुझे फूल प्रोवाइड करेगा यानी ऊन प्रोवाइड करेगा और मैं उसको स्वेटर बना के दे रहा हूँ, ये हो गया, ये आप कॉन्ट्रैक्टर है और मैं जो है वर्कर हूँ। बट आप क्या करो, आप मुझे काम उतना ही दो, मानो कि आप पहले मुझे 100 का काम देते, आप 100 का काम दो बट मेरी तनख्वाह कम कर दो, आप मेरी पेमेंट कम कर दो, सैलरी कम कर दो, तो मुझे गुस्सा तो ऑब्वियसली आएगा। कहते हैं जर्नलिस्ट क्या होता है कि जो भी किसी चीज को लिखता है, जैसे जो आर्टिकल लिखता है, लेटर लिखता है, उसको बोलते हैं जर्नलिस्ट। कहते हैं कि विलियम वोल्फ तब का जो जर्नलिस्ट था, कहते हैं कि उसने सिलिसियम मैंने आपको बता दिया जगह का नाम है, सिलिसियम जो विलेज था, सिलिसियम गांव था, उसके ऐसे जो इंसिडेंट हुआ वहां पे, ऐसे जो प्रोसेस हुआ उसको ऐसे उसके उसने बताया कि क्या क्या हुआ। उसने बताया कि 18,000 से ज्यादा लोग थे जो कि कॉटन वीव करते थे यानी कॉटन कपड़ा बनाते थे, धागा बनाते थे, थ्रेड बनाते थे, कहते ये काम करते थे। बट कहते कि उसने जब कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि पेमेंट कम कर दी, सैलरी कम कर दी, तनख्वाह कम कर दी, तो लोगों को गुस्सा आ गया। कहते कि 4 जून की दोपहर 2 बजे कहते कि वीमेन जो है सभी इकट्ठे हो गए अपने घर से और कहते कि उन्होंने एक लाइन बना ली ऐसे रोज में, कहते हैं उन्होंने चलना शुरू कर दिया। कहाँ पे, उस जो कॉन्ट्रैक्टर था उसके घर में उन्होंने चलना शुरू कर दिया। कहते कि उसने काफी ज्यादा दंगा फसाद किए जिसके कारण क्या हुआ, उसके काफी ज्यादा घर को नुकसान पहुंचाया, उनकी खिड़कियां तोड़ गई। और कहते कि 11 मेंबर्स को जब जो वापिस आया, जो कॉन्ट्रैक्टर था वो अपने घर से भाग गया और जब वो वापिस आया तो उसने अपने साथ पुलिसमैन यानी कोप लेकर आ गया और उसने पुलिसमैन ने क्या किया, 11 मेंबर को गोली मार दी जिसके कारण उनकी डेथ हो गई।